नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी, और मैं हूं श्वेतांक अम्बष्ट। स्वागत करता हूं आपका किस्सा कहानी के इस संस्करण में, जहां हम सुनते हैं एक से बढ़कर एक अद्भुत कहानियां। और इस बार मैं लेकर आया हूं लेखक संजय झा मस्तान सर की कहानी आधुनिक लोक कथा। तो आरंभ करते हैं आधुनिक लोक कथा। पाठक की तलाश में एक कहानी जंगल में बहुत दूर निकल आई। उसे एक गिलहरी मिली जो कहानियों की पाठिका थी। नई कहानी को जंगल में देखकर गिलहरी बहुत खुश हुई और पेड़ से उतरकर उसे पढ़ने लगी। कौवे ने गिलहरी को नई कहानी पढ़ते देखकर उसे शेर से शिकायत करने की धमकी दी। तुमने अगर इस कहानी को पढ़ा तो शेर तुम्हें खा जाएगा, सोच लो। शेर का नाम सुनते ही गिलहरी तपाक से पेड़ पर चढ़ गई। कौवा कहानी के सर पर उड़ रहा था और काव काव कर रहा था। नई कहानी की बात जंगल में आग की तरह फैल गई। बंदरों ने भी छलांग लगाकर कहानी को देखना शुरू किया, पर पेड़ से उतरकर पढ़ने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था। कुछ जानवरों ने कहानी को डरावना कहा, कुछ जानवरों ने उसे कहानी मानने से ही इनकार कर दिया। आवारा बंदरों ने कहानी को तराजू पर तौलना चाहा। कौवे ने तो कहानी पर बीट कर दी। कहानी ने दुखी स्वर में कहा, मैं कहानी भर हूं, तुम सब पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। जानवर ने कहा, इस जंगल में नई कहानी पढ़ने से शेर ने हम सबको मना कर रखा है। अगर हमने नई कहानी पढ़ ली तो वो हमें मार के खा जाएगा। हलचल देखकर दहाड़ता हुआ शेर आ गया। गधे ने शेर को नई कहानी की जानकारी दी और राजा होने के नाते भरी सभा में सबके लिए कहानी पढ़ने का निमंत्रण दिया। शेर ने कहानी को पहले सूंघा और पढ़ने से इनकार कर दिया। सभा में सुगबुगाहट होने लगी। शेर ने सबको अपने अपने घर जाने का आदेश दे दिया। शेर ने कहानी को पास बुलाया और जंगल छोड़कर निकल जाने को कहा। एक चूहा कहानी को कुतर के अपने बिल के बाहर ले गया और सबको पढ़ के सुनाने लगा। कहानी शेर की ही थी। शेर कैसे जानवरों को छुप छुप कर शिकार करके खाता है, इस बात को कहानी में दर्शाया गया था। कहानी सुनकर सब अवाक थे। कहानी ने शेर की बात तो मान ली और जंगल से निकल गई, पर जंगल में शेर की शिकार की कहानी को आज तक कोई नहीं भूल पाया है। ये कहानी इतनी है। अभी आप सुन रहे थे श्वेतांक अम्बष्ट की आवाज में लेखक संजय झा मस्तान सर की कहानी आधुनिक लोक कथा। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें, इस पर अपनी राय व्यक्त करें, कमेंट करें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल वही है हमारा प्यारा किस्सा कहानी। तो आज बस इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद।